हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोडिंग और अनलोडिंग के सेफ्टी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लोडिंग और अनलोडिंग ये जो काम है ये काफी डेंजरस होता है। खास तौर से अगर लोडिंग अनलोडिंग अगर आप मशीनरी की कर रहे हो तो उसकी वजह से आदमी को सीरियसली हर्ट हो सकता है। या फिर लोडिंग अनलोडिंग में अगर कोई हैवी लोड्स हो, या फिर व्हीकल को ओवर टर्निंग करना हो, या फिर मूविंग करना हो, या फिर वहां पर वर्कहेड हाइट में काम करना हो उसको लोड करने के लिए या फिर अनलोड करने के लिए, तो उसकी वजह से इंजुरीज भी हो सकती है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। इसलिए लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटी जब भी आप करते हो तो उसके बारे में आपने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं लोडिंग और अनलोडिंग के सेफ्टी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी लोडिंग और अनलोडिंग जो एरिया है तो वहां पर जो भी अदर ट्रैफिक है उसको सबसे पहले क्लियर करना है, और पेडेस्ट्रियन या फिर अदर जो लोग है उसको लोडिंग और अनलोडिंग में इन्वॉल्व नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ओवरहेड जो इलेक्ट्रिकल केबल्स है उसको सबसे पहले आपको क्लियर करना है, ताकि वहां पर कोई भी ऐसा चांस नहीं होगा उसको टच करने का। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी ट्रेलर से आपको लोडिंग करना हो या फिर अनलोडिंग करना हो तो उसको आपको जो भी फर्म लेवल है ग्राउंड का वहीं पर ही पार करना है, ताकि वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लोड को आपको स्प्रेड करना है जितना पॉसिबल हो सके उतना, और वो भी आपको लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान करना है। क्योंकि अगर लोड जो है वो अगर इवन नहीं है, यानी कि वो अनइवन है, तो उसकी वजह से व्हीकल हो या फिर ट्रेलर हो वो वहां पर अनस्टेबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी लोड है उसको आपको प्रॉपरली सिक्योर करना है, अरेंज करना है, ताकि वो अराउंड में जो है वो स्लाइड नहीं हो सके। और यहाँ पर आप रैकिंग की मदद ले सकते हो, ताकि रैकिंग की वजह से जो है आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिल सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैकेनिकल इक्विपमेंट और जो हैवी मूविंग लोड्स है वो काफी डेंजरस होता है, इसलिए आपको यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट को कंसिडर करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वहां पर मशीनरी में फंस जाना, ऐसी अगर कोई वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके लिए जो है आपके पास गार्ड्स हो या फिर स्कर्टिंग प्लेस जो है वो वहां पर लगाना काफी जरूरी होता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि डॉक लेवर्स हो या फिर व्हीकल का टेल लिफ्ट करना हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी व्हीकल हो या फिर ट्रेलर हो उसका जो ब्रेक है उसको अच्छे से अप्लाई किया गया है, और सभी जो स्टेबिलाइजर्स है उसका भी यूज किया गया है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि व्हीकल जो है एज पॉसिबल वहां पर स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए कुछ वर्क प्लेसेस में ये पॉसिबल होता है कि वहां पर जो है हार्नेस सिस्टम को आप अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आदमी को आप वर्क एट हाइट पर प्रोटेक्ट कर सको। वहां पर आपको जो है सेफ प्लेस जो है वो प्रोवाइड करना है, जहां पर ड्राइवर्स जो है वहां पर वेट कर सकता है अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ड्राइवर्स को जो है कैब के अंदर नहीं रहना है अगर वो उसको अवॉइड कर सके तो। और जहां पर लोडिंग अनलोडिंग का काम चालू है तो वहां पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जिनकी वहां पर जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि व्हीकल को जो है आपको कभी भी ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर व्हीकल जो है वो अगर ओवरलोड है तो उसके कारण जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, जिसके कारण उसको स्टेयर करना काफी डिफिकल्ट होता है, और साथ ही में उसके जो ब्रेक है वो भी कमी लगते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको हमेशा जहां पर भी लोडिंग करना है तो उसका जो फ्लोर है या फिर डेक का जो एरिया है उस लोडिंग एरिया का, तो उसको आपको लोडिंग करने से पहले चेक करना है और वहां पर मेक श्योर करना है कि वो सेफ है। साथ में आपको देखना है कि वहां पर कोई भी डेब्रिज नहीं है या फिर कोई भी टूटा हुआ ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ अनलोडिंग होने के बाद ही जो है आपको लोडिंग को वहां पर अलाउ करना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लोड को आपको वहां पर सुटेबली पैकेज करना काफी जरूरी है, जब भी वहां पर पैलेट का इस्तेमाल होता हो, और उसमें जो है ड्राइवर ने ये चेक करना काफी जरूरी है कि उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी है, लोड जो है वो प्रॉपरली वहां पर सिक्योर किया गया है, लोड जो है वो व्हीकल के ऊपर सेफ है, और उसमें देखना है कि वो जो है वो सिक्योरली अटैच किया गया है, और साथ ही में मेक श्योर करना है कि वो जो है वो फाल नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि टेल गेट्स हो या फिर साइड बोर्ड्स हो उसको आपको पॉसिबल अगर हो सके तो क्लोज ही रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप ओवरहैंग को अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो तो उसको आपने मिनिमम रखना चाहिए, और जो भी लोड का ओवरहैंगिंग पार्ट है उसको आपको क्लियरली मार्क करके रखना काफी जरूरी होता है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अनलोडिंग करने से पहले आपको वहां पर प्रॉपरली चेक करना है और वहां पर मेक श्योर करना है कि वो जो लोड है वो वहां पर शिफ्टेड नहीं हुआ है जब भी आप उसको ट्रांजिट कर रहे हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप ले जा रहे हो तो उस दौरान जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ है, ये आपको वहां पर इंश्योर करना है। साथ ही में आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो लोड है वो मूव नहीं हुआ है या फिर नीचे नहीं गिरा है जब भी आप उसका रिस्ट्रेन जो है वो रिमूव करते हो तब। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंटली ड्राइविंग जो है वो काफी फास्ट चलाता है और अगर ऐसा अगर होता है तो वो काफी एक्सट्रीमली डेंजर हो सकता है, तो इसलिए वहां पर सेफगार्ड होना काफी जरूरी होता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप सेफली जो है वो लोडिंग और अनलोडिंग कर सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा लोडिंग और अनलोडिंग के सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।